Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Waqi Ahmed, let us start. Finally, ये problem जो है थ्री डायमेंशन एनालिसिस मीन्स 3D की है. थ्री डायमेंशन एनालिसिस के द स्ट्रेट लाइन चैप्टर से हो सकती है. फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन मे लाई इन ए प्लेन. तो सबसे पहले तो हम जिस लाइन को बारे में कहा जा रहा है कि ये प्लेन में लाई करती है, तो इस प्लेन लाइन का इक्वेशन और इस प्लेन का इक्वेशन जनरल केस में लिख देते हैं. तो सबसे पहले तो हम लाइन जो दे रखी है उसका इक्वेशन लिखेंगे. तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन वी एक्स माइनस एक्स वन अपान एल वाई माइनस वाई वन अपान एम जेड माइनस जेड वन अपान एन, इसको इक्वेशन नंबर वन डाल दें. अब जो प्लेन दे रखा है जिस पे ये लाइन लाई करेगी उसका इक्वेशन हम लिख देंगे. तो एंड गिवन प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये जनरल फॉर्म में होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है. अब कहा जा रहा है कि ये लाइन जो है वो इस प्लेन में होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन इस प्लेन में जब लाई करेगी तो इस लाइन का हर एक पॉइंट जो होगा वो इस प्लेन के अंदर होगा. यानी जो लाइन पर पॉइंट होगा वो प्लेन के पर भी पर में प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम लाइन से पॉइंट निकालेंगे. इसको हम एक आर के कुल मान लेते हैं. तो ये वैल्यू भी आर के इक्वल होगी. फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी कैन राइट हेयर एस एक्स माइनस एक्स वन अपान एल इज इक्वल टू आर. सिमिलरली ये वैल्यू भी आर के इक्वल है, तो वी कैन राइट वाई माइनस वाई वन अपान एम इज इक्वल टू आर. आल्सो जेड माइनस जेड वन अपान एन इज इक्वल टू आर. वी ट्रांसफर एल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वी गॉट we get x minus x1 is equal to l r. Similarly y minus y1 is equal to m r. Also we get z minus z1 is equal to n r. अब हमें यहाँ पर इसको x1 को और y1 को z1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करके x की वैल्यू और y z की वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए ताकि लाइन पर जो जनरल पॉइंट है वो पता चल जाए. तो x1 प्लस एल आर ये लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं सभी को रिप्रेजेंट करता है. इससे हम लाइन पर हर एक पॉइंट जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन का ही पॉइंट है. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एक लाइन का कोई भी पॉइंट है, तो देयरफॉर एनी पॉइंट, द पॉइंट की फॉर्म में इसको लिख देते हैं. देन एनी पॉइंट ऑन लाइन वन इज एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, यानी एक्स वन प्लस एल आर y1 प्लस एम आर एन जेड वन प्लस एन आर. ये पॉइंट जो है वो लाइन पर है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है. अगर ये लाइन इस प्लेन में होती है, इस प्लेन में लाई करती है, तो लाइन का हर एक पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखेंगे. तो दिस पॉइंट will lie on the plane two if. तो हम इस इक्वेशन में जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर ये वैल्यू x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर y कोऑर्डिनेट, z के यहाँ z कोऑर्डिनेट रख देंगे इक्वेशन नंबर टू में, यानी प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देंगे ये.
तो a इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स वन प्लस एल आर देन प्लस b इंटू वाई की वैल्यू है वाई वन प्लस एम आर एंड प्लस c इंटू जेड की वैल्यू है जेड वन प्लस एन आर और प्लस d इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम r को कॉमन ले लेंगे तीनों में से, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद जब सब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स वन प्लस ए एल आर प्लस बी वाई वन प्लस बी एम आर प्लस सी इंटू जेड वन प्लस सी इंटू एन आर प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे कि बोला था हमने आर को हम इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे। इनको कॉमन लेने के बाद में हम यहाँ पर इसको फिर लिखेंगे। तो तीनों को में से जब r को कॉमन यहाँ पर लेंगे तो r की को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा यहाँ पर उसको लिखना है तो ये वैल्यू हो जाएगी al प्लस bm प्लस cn और r को कॉमन ले लिया प्लस उसके बाद यहाँ पर बाकी जो बचे हुए टर्म हैं उनको लिखेंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि इक्वेशन नंबर टू जो कि प्लेन के इक्वेशन है इस पर ये लाइन लाई करती है लाइन वन, तो लाइन का हर एक पॉइंट जो होगा वो इस प्लेन पर लाई करेगा। तो इसका हर एक पॉइंट जो कि प्लेन पर होगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसलिए आर की हर एक वैल्यू के लिए यानी किसी भी पॉइंट के लिए आर की हर एक वैल्यू के लिए ये जो होगा ट्रू होगा। इसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं व्हाट दिस इक्वेशन जो हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है दिस इक्वेशन शुड बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर। मीन्स इसका ये हो गया कि लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं क्योंकि आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी तो पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे आर की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर वन है तो उसमें आर की वैल्यू अगर वन है तो पॉइंट ये हो गया, आर की वैल्यू टू है या वन बाई टू है तो पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो आर की कोई भी वैल्यू उसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है और जब ये इक्वेशन हमारी ट्रू होगी तब ये हम इस इक्वेशन को आइडेंटिटी बोल सकते हैं जो आर की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जब आइडेंटिटी होगी तब हम इस राइट हैंड साइड को इस तरीके से ज़ीरो को लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू आर प्लस ज़ीरो और जब कंपेयर करेंगे तो आर को कोएफिशिएंट यहाँ पर ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जो कॉन्स्टेंट है वहाँ पर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख दें कि अगर ये आर की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा जैसे कि हमने बोला था देयरफॉर हेंस इट मस्ट बी एन आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी होगी और आइडेंटिटी जो होती है वो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है इसलिए आर की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी इसलिए हम इसको आर के जो कोएफिशिएंट है दोनों तरफ के कंपेयर करके दो इक्वेशन बना लेंगे। दिस इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द लाइन लाई इन द प्लेन टू। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आकरो दावन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।